नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जयंती के लिए इस तरह का पोस्टर डिजाइन करना सिखाएंगे। जैसा कि सामने स्क्रीन पर पोस्टर दिख रहा है दोस्तों, इस तरह का पोस्टर बनाकर यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हैं और फोटो के नीचे अपना नाम और मोबाइल नंबर बिल्कुल आसान तरीके से डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का पोस्टर अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इसे अभी सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पोस्टर को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल ऐप। देखिए दोस्तों, आप देख लीजिए, इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। हमने इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। दोस्तों ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस न्यूटक्स को आपको यहाँ से हटाना है। इसे हटाने के लिए यहाँ पर आपको देखिए डिलीट वाली बटन दिख रही होगी, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है और आपको यहाँ से देखिए इस ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, जिससे ये न्यू टेक्स्ट हट जाएगा। अब दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए, तभी आप इस तरह का पोस्टर बना पाओगे। अब आपको यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स पर एक बार क्लिक करना है और आपको इस साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ से देखिए आपको फ्रॉम गैलरी दिख रहा होगा, आपको फ्रॉम गैलरी पर एक बार क्लिक करना है, जिससे आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन गैलरी में से इस इमेज को चूज कर लेना है और यहाँ से देखिए आपको टिक वाले साइन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करना है वो हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए, तभी आप पोस्टर बना पाओगे। यहाँ पर फोटो किस तरीके से लगाना है और नाम और मोबाइल नंबर किस तरीके से डालना है, सबसे पहले दोस्तों आप ये सीख लीजिए। इसी वीडियो में हम आपको आगे बता देंगे कि इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों फोटो लगाने के लिए आपको यहाँ से देखिए इस प्लस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, और यहाँ से देखिए आपको फ्रॉम गैलरी दिख रहा होगा, आपको फ्रॉम गैलरी पर एक बार क्लिक करना है, जिससे आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन की गैलरी में से आप जो भी फोटो लगाना चाहते हैं वही फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से देखिए आपको इस तरीके से क्रॉप कर लेना है और आपको टिक वाले साइन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर फोटो आ चुका है, इसे इस तरीके से थोड़ा छोटा करना है और आपको यहाँ पर अपने हिसाब से सही से एडजस्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, जैसे हम कर रहे हैं इसी तरीके से आपको अपने फोटो को इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना है। नाम डालने के लिए आपको प्लस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, और यहाँ से देखिए आपको टेक्स्ट पर एक बार क्लिक करना है। इस टेक्स्ट को दोस्तों नीचे लाना है, इस पर डबल टैप करना है, इस न्यू टेक्स्ट को आपको यहाँ से हटा देना है। इसे हटा देने के बाद दोस्तों आपका जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देना है, और आपको ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नाम पड़ चुका है, इसे इस तरीके से बढ़ाकर आपको यहाँ पर सही से एडजस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ से देखिए इस नाम के कलर को चेंज करना है, इसके लिए आपको ए पर क्लिक करना है और आपको इस साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ से देखिए आपको कलर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, और इसमें से आपको वाइट कलर चूज कर लेना है, और आपको यहाँ से देखिए इस टिक वाले साइन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इस नाम के फॉन्ट को चेंज करना है, इसके लिए आपको इस साइड स्क्रॉल करना है, इस साइड स्क्रॉल कर दे जाना है, और आपको ये भी फॉन्ट दिख रहा होगा, आपको ये भी फॉन्ट पर एक बार क्लिक करना है, और आपको यहाँ से इसके फॉन्ट को चेंज कर देना है, और आपको ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, नाम का फॉन्ट भी चेंज हो चुका है। अब आपको इसी नाम की यहाँ से कॉपी कर लेनी है। जैसे आप कॉपी वाले बटन पर क्लिक करोगे नाम की कॉपी हो जाएगी। इस नाम को नीचे लाना है, इस पर डबल टैप करना है। इस नाम को हटाकर दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर दोस्तों इस तरीके से डालना है जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं। इस तरीके से मोबाइल लिखने के बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, और आपको ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर भी पड़ चुका है। इस तरीके से आपका पोस्टर बन के तैयार हो जाएगा। अब इस पोस्टर को फ़ोन की गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ से देखिए आपको शेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, और आपको सेव टू गैलरी पर एक बार क्लिक कर देना है, जिससे ये पोस्टर आपके फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। अब दोस्तों, इस बैकग्राउंड को कहाँ से डाउनलोड करना है, इस बैकग्राउंड की डाउनलोड लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर ईजिली से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बैकग्राउंड को डाउनलोड करने से पहले आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इसे अभी सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।